है बिहार से, जहां चुनाव के बीच अचानक नीतीश के साथ दिखी राबड़ी देवी। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिहार के पटना की, जहां बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम मंगलवार को एक और नया इतिहास बन गया। नीतीश के साथ विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 11 नवनिर्वाचितों ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली। विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी को शपथ दिलाई। वहीं मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा मौजूद रहे। द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में विधानसभा कोटे से निर्वाचित सदस्य ने शपथ ग्रहण की। जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं खालिद अनवर, भाजपा से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता एवं अनामिका सिंह पटेल ने शपथ ली। राजद से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और फैसल अली ने शपथ ली। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार ने मंत्री संतोष कुमार सुमन के अलावा भाकपा के माले के शशि यादव ने शपथ ली। 2005 में जब बिहार में राजग की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सांसद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बन गए। 2006 में नीतीश पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। इसके बाद 2012 और 2018 में भी विधान परिषद के सदस्य बने। अब 2024 में नीतीश लगातार चौथी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ ली है।